हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कपल्स में से एक, यानी रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की। इन दोनों की शादी का बस इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हर तरफ वह रणवीर और आलिया की शादी की ही बातें हो रही हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम आपके लिए इनकी शादी से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करें, क्योंकि शादी का जो दिन होता है वो दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए ही बेहद खास होता है। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों की, जो गेस्ट की निगाहें होती है, वो इस चीज़ पर होती है कि आखिरकार दुल्हन किस डिज़ाइनर का लहंगा पहनेंगे या किस तरह के शेरवानी में दूल्हे राजा नजर आएंगे। तो हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आलिया भट्ट की शादी में उनका जो लहंगा है, जो उनका ब्राइडल कॉस्ट्यूम होने वाला है, वो एक नहीं बल्कि इंडस्ट्री के दो सेलिब्रिटी डिज़ाइनर डिज़ाइन करने वाले हैं। सुनकर आपको एक्साइटमेंट ज़रूर हो गई होगी, लेकिन आप जब ये जान लेंगे कि आखिरकार वो दोनों डिज़ाइनर कौन हैं, तो आप अभी से ही उम्मीदें लगाना शुरू कर देंगे कि आखिरकार वो कितना लैविश, कितना ग्रैंड और कितना सुंदर लहंगा होगा जो आलिया भट्ट अपनी शादी में पहनने वाली हैं। आपको बता दें, वो डिज़ाइनर्स कोई और नहीं बल्कि सब्यसाची मुखर्जी और इस डिज़ाइनर बॉलीवुड के मनीष मल्होत्रा जी। हाँ, जहाँ उनका लहंगा और चोली सब्यसाची द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। और अमूमन हमने देखा है कि इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस अगर दुल्हन बनती है तो उसकी पहली पसंद सब्यसाची होती है। तो सब्यसाची से आलिया भट्ट का लहंगा और चोली डिज़ाइन होने वाले हैं। वहीं जो उनकी जो ओढ़नी है, जो दुपट्टा होगा, वो मनीष मल्होत्रा के जो स्टोर है, मनीष मल्होत्रा के यहाँ से डिज़ाइन होने वाला है और खुद मनीष मल्होत्रा ही उसे डिज़ाइन करने वाले हैं। आपको आलिया भट्ट की फिल्म ज़रूर याद होगी, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, जिसमें उनकी ये ज़िद होती है कि उन्हें अगर लहंगा पहनना है तो मनीष मल्होत्रा के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ ही पहनेगी। और असल ज़िंदगी में भी वो उनके द्वारा डिज़ाइन की गई अपना दुल्हन का दुपट्टा पहनने वाली हैं, जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं उनकी जो ऑन स्क्रीन ख्वाहिश थी वो ऑफ स्क्रीन सपने में ज़रूर सच होने वाली है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।